बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर का आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था के सी की वैल्यू को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमने के सी जो है वो किस तरह से डिफाइन करते हैं। इसकी जो लॉ ऑफ मास सेक्शन में डिस्क्रिप्शन थी वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिफाइन कर सकते हैं कि के सी आपके पास क्या है। के सी इज़ बेसिकली द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अगर आप इक्वेशन में देखें तो के सी जो है वो इक्वल है टू द रेशो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो के सी है वो के एफ और के आर के दरमियान जो है वो रेशो है। ठीक है, और ये आप प्रीवियस लेक्चर में ये एक्सप्रेशन फाइंड कर चुके हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये जो के एफ बाई के आर इक्वल है, ये के सी की वैल्यू है। ठीक है, तो के सी किस की इक्वल है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो वर्ड है वो स्केयर ब्रैकेट जो है वो डिनोट कर रही हैं। ये जो यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट्स हैं ये कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रजेंट करती हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमने एक इक्वेशन से फाइंड किया है जिसमें ए प्लस बी कम्बाइन करके सी प्लस डी प्रोडक्ट बनाते थे और वहाँ पे जो प्रोडक्ट हैं वो सी और डी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जस्ट कॉन्सेंट्रेशन पुट किए हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो डिपेंड करता था रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म थी के सी का एक्सप्रेशन जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया इसके थ्रू, रेशोज के थ्रू, के एफ बाई के आर के थ्रू। अब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में ये देखा था कि जब रिएक्शन जो है वो रिवर्स में आ जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब फॉरवर्ड रिएक्शंस को आप रिप्रेजेंट करते हैं रेट को आर एफ से और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को आप आर आर से प्रेजेंट करते हैं। As we know that RF is equals to rate constant of forward reaction and product of concentration of A and concentration of B. और यहाँ पर आप आर आर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो देख सकते हैं किसकी इक्वल है, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। ठीक है, अब ये सिंपल आपने एक इक्वेशन के थ्रू जो है वो फाइंड किया। अब यहाँ से अगर आपने के सी फाइंड करना है तो आप कैसे करेंगे? इस के एफ को इधर ले आएंगे, के एफ बाई के आर हो जाएगा, और इस ए और बी को जो है वो आप इधर ले आएंगे, सी डी डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आप देख सकते हैं ये हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था वो इस इक्वेशन के लिए लिखा था। अब यहाँ पर हमने एक न्यू रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ए मोल्स रिएक्टेंट ए के कंबाइन कर रहे हैं विद बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी और फॉर्मेशन हो रही है सी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सी एंड डी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डी। अब ये जो स्मॉल ए बी सी और डी है ये नंबर ऑफ मोल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं और ये जो कैपिटल लेटर्स हैं ये रिएक्टेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यहाँ पे आपको इस लेटर से इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स जो है वो कंबाइन करके रिएक्टेंट्स बना देते हैं। ठीक है, अब हम एक रिएक्शन सपोज करते हैं, एक रिएक्शन को हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो कंबाइन कर रहे हैं और फॉर्मेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट,
यहाँ पे आपके पास वन मोल हाइड्रोजन का कंबाइन कर रहा है विद वन मोल ऑफ आयोडीन टू फॉर्म टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। अब आपने एक बात याद रखनी है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं वो हमेशा क्लोज्ड कंटेनर में होते हैं, ठीक है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स जो है वो कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स की जो है वो फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इस इक्वेशन के लिए हमने केसी फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो केसी आपको पता है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब आप प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स को जो है ना उसमें नंबर ऑफ मोल्स आप देखेंगे और इनकी रेशियोज लेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर आपने केसी फाइंड करना है तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है कि एच आई जो है वो प्रोडक्ट है, ठीक है यहाँ पे। और एक बात आपने याद रखनी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग जब आपने देखा था तो उसमें जो मोल्स होते हैं वो एक्सपोनेंट्स में चले जाते हैं, पावर में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टू जो है वो ये मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को इंडिकेट कर रहा है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं और इनके जस्ट वन वन मोल हैं। तो वन मोल लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप जस्ट यहाँ पे रेशियोज पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं यूनिट्स हमने इसके कैसे फाइंड करने हैं, केसी का यूनिट अगर आपको इक्वेशन गिवन हो तो आप उसके यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि केसी का जो यूनिट एक सिंगल सब्सटेंस या रिएक्टेंट के लिए क्या होता है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, आयोडीन के लिए भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, यहाँ पे टू हाइड्रोजन आयोडाइड है तो आपने टू टाइम जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब को पुट करना है। मतलब एक हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए अलग वैल्यू पुट करेंगे यूनिट और दूसरे के लिए जो है वो अलग यूनिट पुट करेंगे। अब हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन के जो है वो कंबाइन करके एच आई की फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसके लिए अगर हमने केसी एक्सप्रेशन फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, तो आपने टू टाइम मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखना है, ये वन टाइम ये वन टाइम ये, ठीक है। इसी तरह रिएक्टेंट्स जो है वो हाइड्रोजन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और आयोडीन के लिए जो है वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। तो आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि अगर किसी इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं उनके यूनिट्स, और इस तरह की इक्वेशन में जो केसी एक्सप्रेशन है वो उसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सारे यूनिट्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इस इक्वेशन के लिए केसी का कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में ये देख लेते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स जो है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों तरफ डिफरेंट हों तो तब जो है वो केसी का यूनिट क्या होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो वन मोल नाइट्रोजन का कंबाइन कर रहा है थ्री मोल्स हाइड्रोजन के साथ और फॉर्मेशन हो रही है टू मोल्स ऑफ अमोनिया की। तो इसके लिए अगर आपने जस्ट केसी एक्सप्रेशन लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स में जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो एक्सपोनेंट्स में चले गए हैं, ये पावर में चले गए हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो जब यूनिट पुट करेंगे तो आप यहाँ पे यूनिट भी जो है ना वो टू टाइम करेंगे। इसी तरह नाइट्रोजन का वन मोल था वो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा और हाइड्रोजन के जो हैं वो थ्री मोल्स हैं तो आपने थ्री जो है एक्सपोनेंट पावर में ले जाना है। तो आप जब इनके यूनिट्स लिखेंगे यहाँ पे टू टाइम्स, यहाँ पे नाइट्रोजन के लिए एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब और ये जो थ्री ये थ्री यूनिट्स हैं ये थ्री हाइड्रोजन के लिए हैं, ठीक है। तो आपने हर एक के लिए जो है वो अलग अलग यूनिट पुट करना है। अब ये एक यूनिट इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब इस मोल पर डेसीमीटर क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपने इनको जो है वो सिंप्लीफाइड करके लिखना है, यहाँ पे वन आ जाएगा आपके पास और नीचे जब इसको आप सिंप्लीफाई करके ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन इस तरह से हो जाएगा, मोल माइनस टू डी एम प्लस सिक्स, इसको आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है।